हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड द थर्ड रूल टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय द यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बट नाउ इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल फॉर सिंपल सेंटेंस टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। अर्थात नाउन अथवा जेरंड के पहले हम किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और फिर वाक्य को सिंपल बनाएंगे। देखने का प्रयास करें। ये बात स्पष्ट रूप से फैक्ट रूप से बच्चों को मस्तिष्क रखनी चाहिए कि हमें किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है किसी नाउन अथवा जेरंड पहले, तो बी हैव टू यूज ए प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन आर जेरंड। नाउन अथवा जेरंड के पहले हम किसी न किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाएंगे। अब नाउन आपको पता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अर्थात दुनिया के किसी भी नाम को हम नाउन कहेंगे। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब जेरंड क्या है? जेरंड दुनिया के कोई भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हिंदी में अर्थ ना नी ने। और इसके बारे में कहा जा सकता है जेरंड आल्सो हैज फोर्स ऑफ नाउन। जेरंड में भी नाउन की शक्ति होती है, अर्थात संज्ञा का कार्य कर सकता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आने वाला है कि हम किसके लिए कौन